हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, काफी अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर बैठे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये जो बिजनेस होने वाला है, ये कौन सा ऐसा बिजनेस होने वाला है जिसको आप अपने घर बैठे बहुत कम लागत के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे काफी अच्छी क्वांटिटी में, यहाँ पे जो काम किया जाता है बल्ब का काम किया जाता है। आप पीछे देखेंगे कि पूरा यहाँ जो लाइन पे वर्किंग हो रही है, ए टू जेड सारे एलईडी बल्ब का काम हो रहा है। अब ये जो हमारा एलईडी बल्ब होता है, इस बिजनेस में आपको कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो का आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और कैसे इस एलईडी बल्ब को आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, तो मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि वो कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है और उससे आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा असेंबलिंग, उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो पीछे हमारा है, बल्ब को रेडी करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो मैं आपको एक स्टेप से लेकर 10 स्टेप तक पूरा उसका जो वर्किंग है कि कैसे उसको बनाया जाता है सारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस, ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारे बल्ब के अंदर लगने वाली DOB होती है, जो ड्राइवर होता है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसको बनाने का जो प्रोसेसर है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड होता है कुछ इस तरीके का, हाईटेक हीट सिंक कंपाउंड, ये हमारा जो हमारी हीट सिंक प्लेट होती है उस पर लगा दिया जाता है। अब इसका जो रीजन होता है इसको लगाने का इस तरीके की प्लेट पे, इससे क्या होता है, जो हमारी PCB होती है इस तरीके की, इसकी जो हीटिंग होती है वो हमारी इस हीट सिंक प्लेट पे ट्रांसफर हो जाती है। और इसके बाद कुछ इस तरीके का दिखने लगता है जब इस पे हमारी गामा DOB लगा दी जाती है हीट सिंक प्लेट पे। तो इसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मशीन, जो हमारी स्क्रू ड्राइवर की मशीन होती है उसकी मदद से यहाँ पे इसको टाइट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जब ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे स्क्रू कस दिया जाता है, तो उसके बाद ये हमारी PCB कुछ इस तरीके की दिखती है, गामा DOB। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लाइन बाय लाइन वर्किंग हो रही है। तो इसके बाद ये जो हमारी SPD होती है, जिसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, इसको गामा DOB के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको पहले शोल्डर पेस्ट लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर दिया जाता है। तो सोल्डरिंग करने के बाद जो हमारा ड्राइवर PCB था कुछ इस तरीके आपस में कनेक्ट हो जाता है, जो हमारी गामा DOB होती है और जो हमारा ड्राइवर होता है कुछ इस तरीके का आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट होने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी यहाँ पे यही किया जा रहा है, दो चैनल में कंटिन्यू आप काम चल रहा है। इसके बाद अब ये जो हमारी हाउसिंग होती है एल्युमिनियम हाउसिंग, ये आप अंदर देखेंगे भी तो इसके अंदर एल्युमिनियम लगा होता है। तो हमारी हीट सिंक प्लेट के साथ हमारी जो DOB होती है और जो हमारा बल्ब होता है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे यही हो रहा है। ये आप देखेंगे कैसे हाउसिंग के अंदर यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है, हाउसिंग के अंदर यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है बहुत ही अच्छे वेल तरीके से। तो जब हमारी हीट सिंक प्लेट को LED बल्ब की हाउसिंग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो हमारी ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन होती है, जो टिक्की प्रेसिंग मशीन होती है, उसकी मदद से यहाँ पे हम इसको हीट सिंक प्लेट को जिस पे गामा DOB लगी होती है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं बहुत ही प्यार से, आसान तरीके से। बहुत सिंपल ये प्रोसेस हमारा हो जाता है हीट सिंक प्लेट को इसके अंदर इंसर्ट करने का। तो जब ये प्रेस कर दिया जाता है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जब हमारा पूरा प्रोसेस वहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है, उसके बाद स्क्रू को टाइट किया जाता है, उसके बाद गामा DOB को ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी जो हाउसिंग के अंदर है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, इसके बाद जो हमारी मशीन होती है, जो पंचिंग मशीन होती है ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन, उसकी मदद से इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है इस तरीके का, जो हमारा B22 कैप होता है, B22 कैप को इस हाउसिंग के ऊपर लगा दिया जाता है। ये आप देखेंगे हाउसिंग के ऊपर लगाने के बाद हमारा B22 कैप कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में एक LED बल्ब को तैयार किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस पर सोल्डरिंग कर दी जाती है, आप देखेंगे किस तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी जाती है सिंगल पीस पे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ऑटोमेटिक कैप पंचिंग मशीन होती है उसकी
की मदद से यहाँ पे इसके कैप को लॉक कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे कि आपकी आसानी से समझ आ सके कि कौन सा वर्किंग किसके बाद किया जाता है, जिससे कि आप आसानी से अगर अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद जब हमारे बल्ब सोल्डरिंग हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे दिखते हैं। अब जब ये हमारे बल्ब इस तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग होने के बाद आ जाते हैं तो इसके बाद इस पे यहाँ पे डिफ्यूजर लगा के ऐसे कुछ रख दिया जाता है जो रेडी बल्ब हमारा हो जाता है। अब ये जो हमारा रेडी बल्ब था इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी फिनिशिंग क्या है। तो अगर आप फिनिशिंग की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ आपको ये एलईडी बल्ब यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनिशिंग की, तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसकी फिनिशिंग है। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम में आपने देखा, मात्र 5 मिनट के अंदर आप एक एलईडी बल्ब को अपने घर बैठे रेडी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल भी मशीनें लेना चाहते हैं तो मैनुअल मशीन के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कैसे आप एक एलईडी बल्ब को आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर पे भी रेडी कर सकते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक एलईडी बल्ब को रेडी किस तरीके से किया जाता है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया कि एक एलईडी बल्ब में सबसे पहले हमारा हीट सिंक कंपाउंड को लगाना होता है हमारी हीट सिंक प्लेट पे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्क्रू कसने का स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से, इसके बाद जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है चाहे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो उससे उसको प्रेस कर देना हीट सिंक प्लेट को, इसके बाद उस पर कैप सोल्डरिंग करना, सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया जो कि बहुत ही कम टाइम में आप को अपने घर बैठे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है जैसा कि मैंने बताया कि एक एलईडी बल्ब पे आपको कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला, तो जो आपने बाजार में देखा होगा कि एक एलईडी बल्ब जो आपका होता है जो बाजार में 100 रुपए का आपको मिलता है, ये आपको यहां से मात्र मिलेगा 32 से 35 रुपए की रेंज में आपको यहां पे एक एलईडी बल्ब मिल जाता है। अगर इसको बाजार में सेल करने की बात करते तो आप इसको 100 रुपए तक का भी सेल कर सकते हैं, और अगर वहीं आप इसको होलसेल की बात करते तो होलसेल में आप इसको 60 रुपए तक का सेल कर सकते हैं। तो आपको एक बल्ब पे जो प्रॉफिट आपका निकल के आता है अगर होलसेल की बात करते तो 25 से 30% का आपका होलसेल प्रॉफिट होता है। कोई ऐसा बिजनेस आप मुझे बता सकते हैं जिसमें आप 25 से 30% का होलसेल में अर्न कर सकते हो? तो एक ऐसा बिजनेस जो आपको देगा होलसेल में 25 से 30% का प्रॉफिट, अगर आपको यकीन ना हो तो खुद आप मार्केट आस पास में बाजार में आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिक आइटम जो हाई वाटेज के एलईडी बल्ब होते थे उसमें आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और अगर हम बात करें हमारे पास जो आपने बाजार में देखा होगा 100 के 3 या 100 के 4 जो बल्ब मिलते वो भी आपको यहाँ पे बल्ब मिलेंगे मात्र और मात्र 10 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है। तो जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है अपने घर से बहुत कम लागत के साथ, मात्र और मात्र आप 10 से 12 हज़ार रुपये की रेंज से इस बिजनेस को आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये जो काफ़ी अच्छी अर्निंग है कैसे आप अर्न कर सकते हैं? अगर आपने पर डे के 100 बल्ब होलसेल किए 15 रुपये के मार्जिन से आप पर डे 1500 रुपये कमा सकते हैं। अगर वहीं आप इसको रिटेल करते और आपने एक बल्ब पे 40 रुपये तक का मार्जिन लिया और अगर आपने 20 बल्ब भी बेचे रिटेल में तो आप 800 रुपये पर डे कमा सकते हैं। अगर 25 दिन भी काम करते तो 20,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे आप 10 से 12,000 की रेंज में इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के साथ आप 20 से 30,000 रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आए। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और स्क्रीन के दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो बेस्ट प्राइसेज है बेस्ट क्वालिटी आपको सब प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे कि आप अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्टअप कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल माय व्यूअर्स, जय हिंद जय भारत। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक जबरदस्त और शानदार नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।